एवरीवन, आज के जो हमारे वीडियो है वो है दी सन आल्सो राइजेस। जो दी सन आल्सो राइजेस है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म 21 जुलाई 1899 को हुआ और इनकी डेथ 2 जुलाई 1961 में हुई और ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और इन्हें लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो 1954 में मिला। हमें जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर और बहुत सारे जो लिटरेचर है उन सबको कवर करना है, तो यहाँ पर हमें जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है उसकी बायोग्राफी के बारे में पता चला कि उनका जन्म 21 जुलाई 1899 को हुआ, डेथ 2 जुलाई 1926 को हुई और ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और इन्हें जो अपना लिटरेचर है उसके लिए नोबेल प्राइज़ वो 1954 में मिला। आज की जो हमारे वीडियो है वो द सन आल्सो राइजेस से रिलेटेड है। द सन आल्सो राइजेस जो है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया जो वर्क है वो है और ये 1926 में पब्लिश हुआ और जो अपना वर्क है इसका जो सब टाइटल है वो फिस्टा है। द सन आल्सो राइजेस जो है ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो वर्क है वो है। वर्ल्ड वार की वजह से जो लोग हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। जो लोग हैं उनमें जो मोरल जो वैल्यू है बिल्कुल वो उसको भूल चुके थे, तो अपना जो वर्क है इसमें करेक्टर प्रेजेंट किए गए हैं उसमें जो उनकी साइकोलॉजी है वो वर्ल्ड वार से अफेक्टेड प्रेजेंट की गई है। जो अपना वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उस टाइम की जो टाइम पीरियड है उसको जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है उसने प्रेजेंट किया है। जैसे कि जो वर्ल्ड वार है इसमें डेथ होती है, जो लोग हैं वो वार में बहुत सारे जो जो डेथ है उनको देखते हैं तो उनमें जो मोरल वैल्यू है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो लोग हैं वो ईटिंग ड्रिंकिंग जो ये हैबिट्स हैं उसमें लगे रहते हैं, उनके लिए जो लाइफ है उसमें सिर्फ जो ईटिंग है ड्रिंकिंग है और जो सेक्सुअल लाइफ है उसको इंजॉय करना ही जो एक मेन पर्पज है वो बनकर रह जाता है। इस तरह से जो अपना वर्क है ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से जो लोग हैं उनमें किस तरह के जो चेंज है उनको इसमें प्रेजेंट किया गया है। इसमें जो सेकंड जो बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी जो कंसेप्ट है वो लॉस्ट जनरेशन का है। लॉस्ट जनरेशन का मीनिंग ये है कि जो लोग हैं वो मॉरल वैल्यू को भूल चुके हैं, वो अपनी लाइफ को सिर्फ जो ईटिंग है ड्रिंकिंग है इंजॉय करना है और जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें ही जो अपनी लाइफ उसको स्पेंड करते हैं। उनके लिए जो मैरिज है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, वो सिर्फ जो मैरिज है उसको एक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके रूप में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें जो बैरेट नाम का जो करेक्टर है, जो बैरेट नाम की जो करेक्टर है उसके अफेयर बहुत सारे जो मैन है उनके साथ है, तो इसमें जो लॉस्ट जनरेशन का जो कंसेप्ट है उसको भी प्रेजेंट किया गया है। इसमें जो अनदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका जो सब टाइटल है वो है, जो सब टाइटल है वो इसका फिस्टा भी है। फिस्टा का मीनिंग होता है फेस्टिवल। इसमें एक बुल फाइटिंग से रिलेटेड जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस वजह से जो अपना वर्क है इसका जो सब टाइटल है वो फिस्टा भी है। इसमें जो दो बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी प्लेस है उनको भी प्रेजेंट किया गया है, तो उनको भी जान लेते हैं। तो इसमें जो दो जरूरी जो प्लेस है वो पैम्पलोना है और मैड्रिड है। पैम्पलोना जो जगह है यहाँ पर जो सभी जो करेक्टर हैं, माइक है, बिल है, जैक है, बैरेट है, ये सभी जाते हैं और जो पैम्पलोना जो जगह है ये स्पेन में है और यहाँ पर वो फिस्टा डे सैन एक जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो फेस्टिवल है ये बुल फाइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर वो बुल फाइट को देखते हैं, यहाँ पर जो बुल फाइटिंग का जो फेस्टिवल है इसको जो लोग हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं। इसमें जो बुल फाइटिंग है इसको इस वजह से प्रजेंट किया गया है कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। इसमें जो सेकेंड जो प्लेस है वो मैड्रिड है। जो मैड्रिड है यहाँ पर जो अपनी है वो जो पेड्रो रोमेरो है उसके साथ जाती है और यहाँ से ही जो अपना नोवेल है वो ख़त्म होता है। तो जो मैड्रिड जगह है यहाँ पर जब जो बैरेट है पेड्रो रोमेरो के साथ जाती है तो यहाँ पर वो पेड्रो रोमेरो का जो साथ है उसको छोड़ देती है और यहाँ पर जो जैक है उसको वो बुलाती है और जैक के साथ वो टैक्सी में बैठती है और टैक्सी के में बैठने के साथ ही जो अपना वर्क है ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो ज़रूरी जो प्लेस है वो पैम्पलोना है और मैड्रिड है। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो अपना वर्क है ये वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड है, इसमें लॉस्ट जनरेशन का कंसेप्ट दिया गया है, इसका जो अनदर टाइटल है वो फिस्टा है और इसमें दो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी है वो है। तो इसमें जो दो प्लेस है वो पैम्पलोना है और दूसरा जो प्लेस है वो मैड्रिड है।
अब हम जो ये वर्क है इसमें जो ज़रूरी जो एक्टर है उनको जान लेते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी जो करेक्टर है वो लेडी बैरिट एशली है। जो लेडी बैरिट एशली है इसमें जो वुमेन की साइकोलॉजी है उसको इसमें प्रेजेंट किया गया। जो लेडी बैरिट एशली है ये एक ऐसी वुमेन के रूप में प्रेजेंट की गई है जिसके बहुत सारे जो अफेयर्स है वो हैं। लेडी बैरिट एशली ने जो अपना हस्बैंड है उससे डाइवोर्स ले चुका ले लिया है। ये ट्वाइस डाइवोर्स जो लेडी है वो है, इसने 2 बार तलाक ले लिया है। और जो लेडी बैरिट एशली है इसका अफेयर जैक के साथ भी है, माइक के साथ भी है और बिल बोर्टन के साथ भी है। तो जो लेडी बैरिट एशली है उसको इसमें प्रेजेंट किया गया है कि इसका जो अफेयर्स है वो बहुत सारे जो मैन है उनके साथ है। इसमें जो जेविस ऑथर है रॉबर्ट कोहन, इसको एक जो ऑथर है जो लेखक है उसके रूप में प्रेजेंट किया गया है। ये अपने जो बहुत सारे जो नोवेल है उनको लिखता है और जो नोवेल है उसमें वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है। तो रॉबर्ट कोहन अपने वर्क में जो एडवेंचर्स इंजॉय करने वाले जो लाइफ उसको प्रेजेंट करता है। तो इसमें जो रॉबर्ट कोहन है वो एक राइटर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इसमें जो दूसरे जो करेक्टर है वो जैक बर्नर्स का है। जो जैक बर्नर्स है ये एक मैन है जो एक सोल्जर था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जिसने फाइट की थी। और वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब जैक बर्नर्स है इसने फाइट की थी तो ये इंजर्ड हो गया था। और जब ये इंजर्ड हो गया था उसकी वजह से इम्पोर्टेंट हो गया था, ये एक नपुंसक मैन हो गया था। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो अपना जैक बर्नर्स है वो वर्ल्ड वार में जो सोल्जर है उसकी वजह से जब वो फाइट कर रहा था तो ये अपनी जो सेक्सुअल जो लाइफ है उसको वो खो चुका था। तो जो जैक बर्नर्स है उसको एक ऐसे बंदे के रूप में प्रेजेंट किया है जो कि एक इम्पोर्टेंट मैन है। इसमें जो माइक कैंपबेल है ये लेडी बैरिट का एक फियांसे है। जो लेडी बैरिट एशली है उसकी मैरिज अब जो माइक कैंपबेल है उसके साथ होने वाली है। इसमें जो बिल गोल्टन है ये भी एक सोल्जर है और बिल गोल्टन के साथ जो जैक बर्नर्स है वो अपनी जर्नी पर जाने का जो प्लान है वो बनाता है। जो बिल गोल्टन है ये जैक का जो फ्रेंड है वो है। और जो एड्रू रोमेरो है ये एक 19 ईयर ओल्ड एक बुल फाइटर है। तो अब हम इसकी स्टोरी को जान लेते हैं। इसमें जो स्टोरी है वो इस तरह से ही है कि जो लेडी बैरिट एशली है उसका जो अफेयर है वो जैक बर्नर्स के साथ है। और जो जैक बर्नर्स है उसकी मुलाकात रॉबर्ट कोहन के साथ होती है। और जो रॉबर्ट कोहन है वो अपने जो व्यूज़ है वो जैक को बताता है। और जो जैक है वो बिल गोल्टन के साथ बात करते हुए जो एक एडवेंचरस लाइफ है उसको जीने की जो एक सलाह वो बनाता है। तो बिल गोल्टन के साथ वो एक जर्नी पर जाता है और जो जर्नी है वो पैम्पलोना शहर है। वहाँ पर पैम्पलोना में जब जैक बर्नर्स जाता है तो वो बुल फाइटिंग को देखता है। और यहाँ पर उसको जो दूसरे बंदे हैं वो भी मिलते हैं। तो यहाँ पर उसको रॉबर्ट कोहन भी मिलता है और जो अपना जो पेड्रो रोमेरो है ये तो एक बुल फाइटर ही है। तो इसे यहाँ पर जैक बर्नर्स को माइक कैंपबेल भी मिलता है और जो अपनी लेडी बैरिट है वो भी मिलती है। तो यहाँ पर सभी के सभी जो बंदे हैं वो जो पैम्पलोना शहर है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर जो बुल फाइटिंग है उसको वो देखते हैं। यहाँ पर जब वो बुल फाइटिंग को देखते हैं तो जो बैरिट है वो जो पेड्रो रोमेरो है उसको देखती है। और पेड्रो रोमेरो जो है एक 19 ईयर ओल्ड जो एक बुल फाइटर है वो है। जब वह उसके पावर को देखती है उसकी जो एक्टिविटी है उनको देखती है तो वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें जो एक और जो ज़रूरी जो इंसिडेंट है वो जो वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो इंसिडेंट है उसको बताया गया। तो जो बिगनिंग है उसमें जो इसमें ये बताया गया कि जब जो जैक बर्नर्स है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंजर्ड हो गया था तो उसमें जो लेडी बैरिट है वो नर्स थी। तो उस टाइम पर जो लेडी बैरिट है उसने जैक की बहुत ही ज़्यादा जो केयर है वो की थी, उसने एज ए नर्स उसकी बहुत ही ज़्यादा जो हेल्प है वो की थी। और उस टाइम पर जो लेडी बैरिट एशली है उसका जो अफेयर है वो जैक बर्नर्स के साथ भी था। लेकिन जो लेडी बैरिट एशली है वो जैक के साथ अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो जैक है वो एक टेंट मैन है, वो एक नपुंसक मैन है। तो इस वजह से वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी इंजॉय नहीं कर सकती और सेक्सुअल लाइफ के बिना वो उससे जो मैरिज है वो नहीं कर सकती है। तो इस वजह से जो लेडी बैरिट एशली और जैक बर्नर्स है उनको एक दूसरे से लव होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से मैरिज नहीं करते हैं। तो अपनी जो कहानी है जब वो पैम्पलोना शहर में जाते हैं तो जो बैरिट है पेड्रो रोमेरो को देखती है और जब वो पेड्रो रोमेरो को देखती है तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो है। लेकिन सारे के सारे जो बंदे हैं वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो बैरिट है उसका अफेयर पेड्रो रोमेरो के साथ न हो क्योंकि जो पेड्रो रोमेरो है वो एक 19 ईयर ओल्ड मैन ही है
और अगर वो बैरेट की जो बातें हैं उनमें आ जाता है तो वो अपना जो रियल एम है उसको भूल कर जो सेक्सुअल लाइफ है उसी में रह जाएगा। तो सभी के सभी जो पेड्रो रोमेरो और जो बैरेट है उसका जो अफेयर है उसके अगेंस्ट हैं। उसके बाद जो लेडी बैरेट है वो किसी की नहीं सुनती है, और जो लेडी बैरेट है वो पेड्रो रोमेरो को जो मैड्रिड जो जगह है वहाँ पर ले जाती है। लेकिन बाद में जब जो लेडी बैरेट है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जो अपना पेड्रो रोमेरो है वो एक 19 ईयर ओल्ड मैन ही है और उसको उसके साथ जो लाइफ है उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, तो वो अपना रिलेशन पेड्रो रोमेरो के साथ ख़त्म कर देती है। और उसके बाद वो जैक बर्नेस को कॉल करती है, और जब वो जैक बर्नेस को कॉल करती है तो जैक बर्नेस उसके पास आता है और वो टैक्सी लेकर वहाँ से चलते हैं। तो जो अपना नॉवल का जो लास्ट सीन है उसमें जो बैरेट और जैक है वो एक टैक्सी में बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ जो अपना नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है। तो करेक्टर के साथ ही हम जो अपना अपना जो ये नॉवल है इसकी समरी को जान लेते हैं कि जो लेडी बैरेट है उसके बहुत सारे जो अफेयर्स है वो है। रॉबर्ट कोहन जो है ये एक राइटर है। जैक बर्नेस जो है वो एक ऐसा मैन है जो वर्ल्ड वार में इंजर्ड हो गया है, और वर्ल्ड वार में इंजर्ड होने की वजह से वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको नहीं जी सकता है। माइक कैंपेल एक बंदा है लेडी बैरेट एशले है उसका पियांसे है, और जो बिल कोर्टन है ये एक सोल्जर है, और इसके साथ साथ ये जैक बर्नेस के साथ जो एडवेंचरस लाइफ है उसको जीता है, और पेड्रो रोमेरो जो है एक 19 ईयर ओल्ड जो मैन है वो है। इस तरह से अपना जो सन ऑल्सो राइजेज है इसमें इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया है कि जो लोग हैं वो ईटिंग ड्रिंकिंग में ही जो अपनी लाइफ है उसको स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें जो अपनी रियल लाइफ है उसको याद करना चाहिए। तो इसका जो टाइटल है सन ऑल्सो राइजेस, उन्हें ये बात जाननी चाहिए कि जैसे कि जो सन है वो हर रोज उगता है उसी तरह से जो ये लॉस्ट जनरेशन है उसे उसे अपने जो लॉस्ट जनरेशन है उसको भूल कर जो एक उसे उसको भूल कर जो एक एक नई जो लाइफ है उसको स्टार्ट करना होगा। तो इस तरह से जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है उसने द सन ऑल्सो राइजेस है इसमें एक जो न्यू राइजिंग है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और इसमें जो लॉस्ट जनरेशन का जो कंसेप्ट है उसको प्रेजेंट किया है कि जो लोग हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको बिल्कुल भूल चुके हैं, वो अपनी जो लाइफ है उसमें सारे के सारे जो मोरालिटी है उसको भूल कर वो जो ईटिंग ड्रिंकिंग है और जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें ही वो बिजी रहते हैं, वो अपने जो रियल लाइफ है उसको वो भूल चुके हैं। ओ आपको जो ये वर्क है इसकी जो वीडियो है कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।